एक बात तो बताओ, खुली आंखों से इतने ख्वाब क्यों देखते हो? जब वो लकीरों में ही नहीं तो भला किस्मत का क्यों कोसते हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सस्तिका राजपूत है और आज ना मैं अपनी डायरी में लिखे हुए कुछ ऐसे ख्याल लेकर आई हूँ जिसे मैंने अकेलेपन में खुद से ही बातें करते हुए लिखी थी। वो होता है ना कि जब दिन नहीं कट रहे होते, रातों को नींद नहीं आती है, कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता, जब सपने टूट जाते हैं या ख्वाब बिखर जाते हैं, जब किसी अपने का साथ छूट जाता है, जब दिल रूठ सा जाता है और मुझे बारिशों का इंतजार रहता है। एक बात तो बताओ, खुली आंखों से इतने ख्वाब क्यों देखते हो? जब वो लकीरों में ही नहीं तो भला किस्मत का क्यों कोसते हो? यहाँ लकीरें और किस्मत को एक मत समझना, क्योंकि किस्मत बदली जा सकती है पर लकीरें नहीं। लेकिन जो लकीरों में ही नहीं तो भला किस्मत में कैसे होगी? तो जो आपका है ही नहीं उसके पीछे रोने से क्या फायदा, और जो आपका है उसे खोने से डर कैसा? और कुछ ऐसे ही जो कुछ ख्याल मैंने लिखे थे, या कुछ सवाल आप कह सकते हो, जो मैंने अपने हॉस्टल की बैल्कनी में खुद से ही बात करते हुए लिखी थी, कि कुछ सवाल ये भीगी पलकी लाल रंग से भरी लाचार आंखें लिए चेहरे पर फिर मुस्कान भला क्यों रखते हो तुम? ये दिल में इतना दर्द दबाए किससे अपने राज छुपाते हो तुम? लोग भी करते हैं ना तुम्हारी इस खामोशी पर सवाल, पर क्या कहते हो उन्हें जब वो पूछते हैं इसी दुनिया के हो ना तुम? ये अंधेरी रातों में चांद को क्यों इतना निहारते हो? ये बादलों के पार किसे ढूंढते हो तुम? ये अकेलेपन में फिर खुद से ही भला बात क्या करते हो तुम? लिखने के लिए फिर बारिशों का ही इंतजार क्यों करते हो तुम? मोहब्बत इंसानों से कर इजहार तुम इन हवाओं घटाओ और इन बारिश की बूंदों से कर देते हो, चोट लोगों से खाते हो और इल्जाम फिर वक्त पर लगा देते हो, आंखों में हजार सपने रखते हो और फिर दुनिया ही छोड़ देने की बात भला क्यों करते हो तुम? और इसी फीलिंग में मैंने एक शेर लिखा था कि दर्द को झेलने के तरीके दिए जाए, मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रहने दिया जाए, मैं कौन हूं मैं क्यों हूं की लड़ाई हर रोज खुद से लड़ता हूं, ऐ जिंदगी मुझे दो पल सुकून दिया जाए, खुदा अगर है कहीं तो क्यों कुछ कहता नहीं, अगर मैं सच्चा हूं तो ऐ खुदा मुझे जीने की एक वजह दिया जाए, मुझे जीने की एक वजह दिया जाए। हम सबकी लाइफ में ये फेज जरूर आता है जब हमें ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, जिंदगी जीने की एक आस ही नहीं बचती है। पता था तो हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसे लगता है कि यार हमारे जीते जी तो वो प्यार या वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल पाया, शायद हमारे दूर चले जाने के बाद वो इज्जत वो अहमियत का एहसास हो जाए, या फिर ये सोचते हैं कि शायद हमारे दूर चले जाने से ही उनको खुशी मिलेगी। पर क्या सच में किसी के दूर चले जाने के बाद, हमेशा के लिए दूर चले जाने के बाद किसी को खुशी मिल सकती है? और जिसको मिलती है तो उसके लिए दूर जाने का या उनसे दुनिया छोड़ देने का ख्याल उनके लिए क्यों? और अगर आप चले भी गए और जो अगर आपके जाने के बाद किसी ने आपके लिए पीछे दो आंसू बहा भी दिए, आपकी अहमियत का उनको एहसास हो भी गया, तो क्या उसके लिए आप वापस आ पाओगे? क्या वो देखने के लिए आप वापस आ पाओगे? नहीं ना। अब पता हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा ना खुद को दूसरों के नजरियों से देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें अच्छा तो लगेगा ना, अगर हम वैसा करेंगे तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। जो उम्मीदें हमें खुद से करनी चाहिए, जो प्यार हमें खुद से करना चाहिए, वो हम किसी और से कर बैठते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती या जब वो हमें उस लेवल का प्यार या उस एप्रिसिएशन नहीं दे पाते तो हम खुद को ब्लेम करते हैं। क्यों? कितना अच्छा होना जो उम्मीदें हम किसी और से करते हैं, अगर वही उम्मीदें हम खुद से करने लग जाए तो शायद बुरा लगना थोड़ा कम हो जाए। लेकिन ये सब थी प्रैक्टिकल बातें, अच्छी बातें, लेकिन ये भी मानते हैं कि खुद से प्यार करने में वो क्या मजा जो उनसे करने में। हाँ, जिंदगी आसान हो सकती है, खुद से प्यार करेंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जिंदगी जीने का मजा आएगा, या एक वो खुशी जो होती है किसी को खुश करने की, वो खुशी मिल पाएगी, वो जिंदगी हम जी पाएंगे? तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि जब हम किसी से बहुत बेपनाह मोहब्बत करने लग जाते हैं और खुद को ही भुला देते हैं, तो खुद को खोजने की जो एक तलाश होती है ना, तो वो मैंने लिखा था, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे कहूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे कहूँ, मैं बर्बाद हूँ पर आबाद हूँ, मैं हारा हूँ पर किसी का सहारा हूँ, मैं अधूरा सा पर वो शख्स मुझ में पूरा है, मैं ढलती शाम सा
वो उगता सवेरा है, मैं भटकता मुसाफिर वो राहते मंजिल, मैं हूँ अगर दर्द तो वो मेरा दवा है, कि मैं हूँ अगर इबादत तो वो मेरा खुदा है। पर मेरे दर्द की कोई वजह नहीं, मैं खुद से थोड़ा खफा हूँ, हर चीज़ की शुरुआत की पर कभी उसे ख़त्म नहीं, मैं हारा हूँ उसे कैसे कहूँ, उसके बिना अधूरा हूँ ये बात उन्हें कैसे समझाऊँ, जिंदगी एक अधूरी किताब सी है उनके बिना, मेरे शब्दों में छुपी रात सी है उनकी हर अदा, मैं जिसे चाह कर भी बयां ना कर पाऊँ उस अल्फाज से हैं वो, जिसके ना होने से सब वीरान और उसके होने का एहसास ही एक सुकून दे जाए, वो खूबसूरत एहसास हैं वो। जानते हम दोनों का कोई मेल नहीं, दुनिया के नज़रों में हमारा प्यार कभी कबूल नहीं, वो पहली बारिश की पहली बूंद जैसे और मैं उड़ती धूल जैसा, वो अगर चांद का टुकड़ा तो मैं उस पर दाग सा, वो बड़े समुद्र की चंचल लहरें और मैं सुनसान किनारा सा, जिन्हें वो छूकर तो गुजरते हैं पर कभी ठहर नहीं सकते। लोग भी कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी मिलता नहीं, वो एक ख्वाब है जो कभी हकीकत में होता नहीं, कि जैसे चांद जो ज़मीन पर कभी आता नहीं, कि जैसे खुदा जो कभी किसी एक का होता नहीं। बस यही बात सोचकर अक्सर मैं खुद से लड़ता हूँ कि क्या हुआ अगर हम ना मिले, खुद से ये सवाल करता हूँ, जवाब में अक्सर खुद को फिर मैं अकेला ही पाता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वो तो सिर्फ तुम्हारे वजह से हूँ, प्यार का मतलब मुझे तुमने सिखाया, दुनिया से रूबरू होने का हिम्मत मुझे तुमने दिलाया, मेरे प्यार को इकरार कर मुझे आम से तुमने खास था बना दिया, जिंदगी का हर ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ था सजाया, किसी के साथ मिल जाने से ही दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, वो एहसास मुझे तुमने दिलाया, तुम्हारे हर दर्द ने मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, और वक्त के साथ मैंने खुद में एक बेहतर इंसान ही पाया, और वो बेहतर इंसान तुम हो जाना, मेरे ज़िंदगी में मुझ में मुझसे ज़्यादा अब तुम हो समाए, तो अगर तुम ही नहीं तो मैं भी नहीं, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हर रात मैं खुद से ये सवाल करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे कहूँ, इस इंतज़ार में कि एक रोज़ मैं खुद को पालूँ, शायद तुम्हें पालूँ। एक छोटा सा जवाब उन सभी बातों का, मैं वो हूँ जो मैं सोचती हूँ खुद के बारे में, मैं वो नहीं जो दुनिया सोचती है मेरे बारे में।